ये है 4.2 का क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट। यहाँ पर हमें प्रूफ करना है, ये दिया हुआ है, इसके इक्वल टू में प्रूफ करना है a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस a प्लस बी प्लस सी। हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद हम कोशिश ये करते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरो मिले या कहीं से a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस a इस तरीके से मिल पाए। तो इसके लिए हम ये ऑपरेशन यूज़ करते हैं, कॉलम वन में से कॉलम टू माइनस करेंगे और कॉलम टू में से कॉलम थ्री। तो ये देखिए, कॉलम नंबर वन में से कॉलम टू माइनस करते जाएंगे, कुछ इस तरह से आएगा कॉलम वन माइनस कॉलम टू और कॉलम टू माइनस कॉलम थ्री, ठीक है। फिर ये जो यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब आ रहा है, इसका फार्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इससे हमें ये दो स्टेप्स मिल जाएंगी। अब आप देखिए, ये जो फर्स्ट रो आ रही है, फर्स्ट कॉलम आ रहा है, सॉरी, ए माइनस बी कॉमन आ रहा है और इसमें से आ रहा है बी माइनस सी कॉमन, तो हम इन दोनों से कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन निकालने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह की स्थिति आएगी। इसमें पहली रो में देखो सारे एलिमेंट ज़ीरो हो गए, केवल एक वन बचा है। इस तरह की कंडीशन आती है तो मैंने आपको बताया था कि आप ये कॉलम और ये रो इन दोनों को एलिमिनेट कर दो, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा, ये आ गया है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं ऐसे क्रॉस में, तो बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन अंदर के चेंज हो जाएंगे, ये देख सकते हैं आप, साइन अंदर के चेंज हो गए हैं। इसको हम जैसे साइक्लिक ऑर्डर करते थे 10th क्लास में, तो हमने इन दोनों को पहले लिया और बाकी जो बची टर्म है बाद में। सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को सी माइनस ए सी प्लस ए लिख सकते हैं, और इधर से बी कॉमन निकालेंगे तो सी माइनस ए, सी माइनस ए दोनों में से कॉमन आ गया। और यहाँ पर फिर हमने क्या किया, क्या बचा, बी प्लस सी प्लस ए, इसको साइक्लिक ऑर्डर में लिख दिया तो ए प्लस बी प्लस सी। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया।